अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मित्रता चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम लोग आधा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ पार्ट्स चैप्टर का बाकी है जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो बात ऊपर जो हम लोग पढ़े, मित्र कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए, उसका साफ हृदय होना चाहिए, सब पढ़े हैं, तो वही बात जो है जान पहचान वाले लोगों में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं। जो हमारे जान पहचान वाले हैं उन लोगों के ऊपर भी यही बात ही निर्भर करती है, जो हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को अच्छा और खुशियों भरा बना सकता है, सहायता कर सकता है, यद्यपि उतनी नहीं जितना एक गहरा मित्र कर सकता है, लेकिन उतना नहीं कर सकता है जो एक हमारा गहरा मित्र हमारे लिए कर सकता है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो ज़िंदगी, वो बहुत थोड़ा सा है, लिमिटेड है, और उसमें उस खोने के लिए समय नहीं, उसमें किसी भी चीज़ को खोने का वक्त नहीं है। जितना हो सके हम लोग ले सके दूसरों से। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और यदि क ख मतलब एक्स वाई जेड, क ख ग मतलब एक्स वाई जेड हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई वो बुद्धि इंटेलिजेंट का बात कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी का बात कर सकते हैं, हैं ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, और ना ही कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, है ना सहानुभूति द्वारा हमें धाधस बंधा सकते हैं, और ना ही हम जब हमारा विश्वास कम हो जाए तो हमें सहानुभूति भी ना दे सके, अगर ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना ही हमारे आनंद में शामिल हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, ना ही हमें किसी हमारा जो ड्यूटी है उसका ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर ऐसे लोगों से हमें दूर ही रखे। अगर ऐसा कोई जान पहचान वाला है हमारा जो ये सब काम हमारे अंदर नहीं कर सकता हमारे लिए, तो ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, हमें ऐसे लोगों से दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नच रंग में जाएंगे, सह सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। और यदि आजकल का युवा जो है ऐसा फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेता है जो उसके साथ पिक्चर्स देखने जाएंगे, मूवीज़ देखने जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, अगर ऐसे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमारा अगर कुछ नुकसान नहीं होता है तो कोई हमें फ़ायदा भी नहीं होता है, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी, और यदि अगर हमें ऐसे लोगों के साथ कोई नुकसान होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, और बुरा संगत वाले का साथ जो है बहुत भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, और ये हमारा नीति और बुद्धि का ही, ये केवल हमारा नीति और अच्छाई का ही नाश नहीं कर सकता बल्कि हमारा बुद्धि का भी पूरा विनाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और कोई इंसान का अगर संगति बुरा होगा तो वो उसके पैर में चक्की की तरह समान भारी लगेगा, चक्की की तरह समान होगा, जो उसे दिन रात अवनित के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, उसके निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और यदि कोई उसके साथ अच्छा होगा तो वो दिन रात अवनीति उसके, अगर कोई बुरा होगा तो उसको दिन रात उसको गड्ढे में गिराता जाएगा, और यदि ऐसा व्यक्ति के साथ अच्छा होगा तो वो उसका सहारा बनेगा और उसको उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। इंग्लैंड में एक विद्वान की को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इस पर ज़िंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। इंग्लैंड में किसी एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी को राज दरबार में जगह, युवा अवस्था जब था उसका, जब वो यंग एज में था तो राज दरबार में उसे जगह नहीं मिलती है, और इसी पर वो ज़िंदगी भर अपने भाग्य को कोसता रहता है।
बहुत से लोग तो इसे अपने बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वो बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। लेकिन वो ज़िंदगी, बहुत सारे लोग जो है उसको इसका दुर्भाग्य, बुरा भाग्य भी समझते थे, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो राज दरबार में गया तो वहाँ पे वो बुरे संगत में पड़ सकता था, जिससे उसका उन्नति में, जिससे उसको सफलता में बाधा पड़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ पल के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनके कुछ पल के साथ से ही हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। क्योंकि उसी समय, थोड़े ही समय में ऐसी ऐसी बातें वे लोग बता के चले जाते हैं, जैसे जो बातों को हमारे कानों को नहीं सुनना चाहिए उसका हमारे मन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है और हमारी पवित्रता जो है, हमारी प्योरिटी जो है वो नष्ट हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुराई जो है बहुत अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है और बुरी बात जो है हम बहुत दिन तक वो बुरी बात जो है याद करते रहते हैं। अच्छी बात भूल जाते हैं लेकिन बुरी बात जो है बहुत दिनों तक हम याद करते रहें। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे वे फुहाड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। और ये बात को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बुरा गीत या बुरी बातें जो है बहुत जल्दी उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अच्छी बात और अच्छा चीज़ जो है वो हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक बार एक मित्र ने, लेखक के एक मित्र ने उनसे कहा था कि बचपन में उन्होंने कोई एक बुरी कहावत सुनी थी और वो सोचता, वो लाख चाहता है कि वो बुरा कहावत उसके ध्यान में ना आए, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके ध्यान में आ जाती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बंधती है। जिस चीज़ को हम याद नहीं करना चाहते, जो बात को हम सोचना नहीं चाहते, अक्सर क्या होता है वही चीज़ जो है हमारे मन में आती है और वो हमारे मन को प्रभावित करती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहाड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। अतः यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तुम पूरा चौकन्ने रहो, ऐसे लोगों को अपना साथी कभी ना बनाओ जो अश्लील है, जो बदतमीज़ है, जो अपवित्र है, जो सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए नए चेहरे पे चेहरे लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक मामूली सी बात समझो और सोचो, लेकिन ऐसा हुआ है फिर आगे ना हो, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखो। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तुम्हारा कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हें देखकर सामने वाला जो है सुधर जाए। जब आप सुधर नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर ये नहीं देखता कि वे कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वह कहाँ और किस जगह पर अपना पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों
में अभ्यस्त होते होते तुम्हारे घृणा कम हो जाएगी और धीरे धीरे जो है इन सब बातों के तुम्हें आदत हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से घृणा जो है वो कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी क्योंकि तुम ये सोचने लगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, और फिर बाद में तुम्हें उन लोगों से कभी चिढ़ नहीं होगी क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा विवेक पुनिष्ठ हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी और तुम्हारे अंदर से भला बुरा पहचानने वाले की शक्ति पहचानने की शक्ति नहीं रहेगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और अंत होते होते ख़त्म होते होते ज़िंदगी ख़त्म होते होते तुम भी एक बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। अतः मन को उज्जवल और निष्कलंक, किसी भी तरह का कलंक ना लगे उसे दूर रहने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुरी संगति एक तरह का छूत है, छूत की बीमारी, उससे हमें बचना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लगी है। तो एक बहुत पुराना कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजल का कोठरी में कितना भी बुद्धिमान आदमी क्यों ना चला जाए लेकिन उसका कहीं ना कहीं वो काजल का एक हिस्सा भी उसके बॉडी को टच कर ही वो निकलेगा। तो ये बुरी संगत वालों को कहा गया है कि अगर हम बुरी संगत में पढ़ते हैं, बुरे लोगों के संगति में पढ़ते हैं, तो हम कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे अंदर ज़रूर पड़ता है। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। आप लोग चैप्टर रीड कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर से वो हम लोग क्लास के दौरान करेंगे। ठीक है, और दिस वीडियो इज़ एंड एंड द चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।